अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ के पकवान में। आज मैंने बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है, बचे हुए चावलों के टी टाइम स्नैक। ये कैसे बनकर रेडी हुए हैं तो चलिए चलते हैं रेसिपी की। देखिए, यहाँ मेरे पास है एक बाउल में उबले हुए चावल, ये मेरे इस्तेमाल के बाद बच गए थे। आज हम स्नैक बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा। बचे हुए चावलों को किस तरह से इस्तेमाल में लेकर आना है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी एक आलू उबला हुआ मैश किया हुआ। यहाँ मेरे पास है 1-2 चम्मच के करीब गाजर फाइन चॉप हुई हुई, थोड़ी सी हमने ली है बंद गोभी, उसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है, हरा धनिया, 3 से 4 बारीक हरी मिर्च कटी हुई, कुछ मसाले हैं यहाँ पर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये सारे मसाले भी इसमें हम ऐड कर देंगे। दो चम्मच यहाँ मैंने लिया है बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 से 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सी बाइंडिंग तैयार हो जाए, उसके बाद हम इसके बनाएंगे बहुत मज़ेदार से स्नैक। तो देखिए व्यूवर्स, बहुत अच्छे तरीके से सारे बैटर को हमने मिक्स कर लिया है। अब हाथों पे हल्का सा मैंने ऑयलिंग की है, अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस किया है और अच्छे से इसके हमें स्नैक बनाने हैं। इस तरह से 1 बाय 1 हम बना के रखते जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, काफ़ी सारे हमने स्नैक इस तरह से बना लिए हैं टिकिया शेप में। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। देखिए व्यूवर्स, कितना अच्छा ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका, बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो रही हैं, लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, देखिए व्यूवर्स कितने खूबसूरत कलर आया है। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं फ्राई करना है, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, लाइट गोल्डन कलर इसका आ गया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारे से ये स्नैक बन के रेडी हो गए हैं जी। तो व्यूवर्स देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त से और काफ़ी सारी तादाद में हमने टी टाइम स्नैक बनाकर रेडी कर लिए हैं। बचे हुए चावलों की बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी मैंने बनाई है आज, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।